वी आर स्टार्टिंग विद द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. नाउ अब जितने भी पुअर, अनएम्प्लॉयड और भूखे पीजेंट्स थे उनके तो रिवॉल्ट्स चल ही रहे थे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में इन द ईयर 1848. बट अब एक रेवोल्यूशन ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास भी चलने वाला था. इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क. एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क, एब्डिक्शन का मतलब होता है कि जब आप रिनाउंस कर दो या रिज़ाइन कर दो फ्रॉम अ फॉर्मल ऑफिस. मतलब एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क मतलब उसने मोनार्क ने रिज़ाइन कर दिया था फ्रॉम द ऑफिस. एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड. एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज मतलब सिर्फ मेल का वोट, राइट टू वोट था. In other parts of Europe where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, Austria, Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. मतलब अभी भी independent nation states कई सारी नहीं थी जैसे Germany, Italy, Poland, Austro-Hungary Empire. Events of February 1848 in France had brought about the abdiction of the monarch. Abdiction का मतलब होता है renounce करना या resign करना from a formal office. तो the monarch had resigned. And a republic based on a universal male suffrage had been proclaimed. Male suffrage मतलब only the men had the right to vote. In other parts of Europe where independent nations did not yet exist, अब कई सारे यूरोप में पार्ट्स थे जहाँ इंडिपेंडेंट नेशंस अभी नहीं बने थे जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर. मैन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन. अब जितने भी एजुकेटेड या लिबरल मिडिल क्लास थे उन्होंने अपनी डिमांड्स को कॉन्स्टिट्यूट करा विद नेशनल यूनिफिकेशन, एक नेशनैलिटी के एक होने का वो करना. दे टूक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स. अब उन लोग ने जो ये पॉपुलर अनरेस्ट था मतलब फ्री होने का वो उसने उन लोग ने उस चीज़ को यूज़ करा और अपनी डिमांड्स करी फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स कि एक नेशन स्टेट बनी उनकी ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स फ्री फ्रॉम मोनार्की. अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जहाँ पे उनको फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी मिले और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी. इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, businessmen and prosperous artisans come together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German national assembly. अब German regions में बहुत सारे political associations जो middle class members थे उसमें professional, businessmen और बड़े artist लोग वो सब एक हुए in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German national assembly. अब on 18th May, in 1848, 831 members elect हुए थे representatives who marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament. कन्वेंट इन दी चर्च ऑफ सेंट पॉल. अब उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जाने का सोचा जो चर्च ऑफ सेंट पॉल में बना था. दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन करा एक जर्मन नेशन का जो मोनार्की से हेड होगा पर पार्लियामेंट का एक सब्जेक्ट होगा. When the deputies offered the crown to those terms to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it. जब ये वाला proposal किंग ऑफ प्रूशिया के पास ले जाया करा, उसने मना कर दिया और उसने दूसरे मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया कि वो अपोज करें इस असेंबली को. While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब opposition of aristocracy तो बढ़ता जा रहा था but parliament का कम होता जा रहा था. The parliament was dominated by the middle class who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. अब जो middle class थी वो उसने demand उसकी neglect करी, उसको ध्यान नहीं दिया किसकी, वर्कर्स और आर्टिशंस की, तो उन लोग ने उनका सपोर्ट भी खो दिया. इन दी एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन दी असेंबली एंड वर फोर्स टू डिसबैंड. ट्रूप्स को असेंबली में बुलाया करा और उनको डिसबैंड करना पड़ा, मतलब हटाना पड़ा. द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल वन within the liberal movement in which large number of women had participated actively over the years. अब जो political rights मतलब right to vote और भी जो political rights थे वो women को देना एक बहुत controversial, मतलब किसी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, आज करें कि ना करें, क्योंकि liberal movement में women का बहुत active participation था. women ने अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई थी, न्यूज़पेपर्स बनाए थे और बहुत सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी गए थे. डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली. ये सब करने के बाद भी उनको राइट टू वोट मना कर दिया गया था. व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी. उन लोग को सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह खड़ा कर दिया गया था कि वो सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो पार्ट नहीं कर सकते उसमें असेंबली में. दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर दी ओल्ड ऑर्डर. अब वो लिबरल मूवमेंट्स को तो सप्रेस कर पाए पर अपना ओल्ड ऑर्डर वापस नहीं ला पाए. इन 1848 monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries. अब उन्होंने सोचा monarchs ने कि जो cycle है revolution और repression की वो तभी ख़त्म हो सकती थी जब liberal nationalist को कुछ concession दे दिया जाए. Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in the Western Europe before 1815. अब उन लोग ने वही changes restore करे जो Western Europe में 1815 में ले लिए गए थे. Thus, serfdom, bonded labor were abolished both in the Habsburg dominions and in Russia. Serfdom वही सर्वेंट्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स का, अनबॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूर वर अबॉलिश्ड इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया. द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी इन द टू द हंगेरियंस इन 1867. नाउ द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि जर्मनी और इटली कैसे एक नेशन बने. नाउ 4.1 जर्मनी. कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन. क्या एक आर्मी आर्किटेक्ट हो सकती है अपने नेशन की. आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन. अब यूरोप में नेशनलिज्म एसोसिएशन और रेवोल्यूशन पे ज़्यादा आ गया था. नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. अब जो नेशनलिस्ट थे, एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into a nation state governed by an elected parliament. अब जो nationalist feelings थी middle class Germans में, उन लोग ने यूनाइट करने की कोशिश करी थी 1848 में कि एक नेशन स्टेट बने बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट. दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री. अब इस इनिशिएटिव जिससे नेशन बिल्ड हो उसको दबा दिया गया था बाय मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रूशिया. अब प्रूशिया ने जर्मनी का नेशनल बिल्डिंग का जज्बा तोड़ दिया था. फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. उस समय से प्रूशिया ने लीडरशिप लेनी चालू कर दी थी नेशनल यूनिफिकेशन के लिए. इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोसी. Who was the chief minister of this movement for national unification? Otto von Bismarck. Now, the three wars over 7 years with Austria, Denmark, and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed the German emperor in a ceremony held at Versailles. अब विलियम I को प्रूशियन किंग को जर्मन एम्परर का किंग घोषित कर दिया गया था. ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग ऑफ प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी इम्पॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia. The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial systems in Germany. Prussian measures and practices often made model for the rest of the Germany. अब nation building process जो Germany में थी उसने ये दिखा दिया था कि Prussian state की power का dominance कितना है. Now coming to Italy unified. Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation, मतलब political हिस्सों में बंटना. Italians were scattered over several dynasty states as well as the multinational Habsburg Empire. Italy भी बहुत हिस्सों में बटा था, बहुत dynasties में बटा था और उसमें से एक थी Habsburg Empire. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia, Piedmont, was ruled by an Italian princely house. अब 7 स्टेट्स में से सिर्फ एक ही स्टेट था जो बाय इटली मतलब खुद की उससे रूल करा जाता था. The north was under the Austrian Habsburgs, the center was ruled by the Pope, and the southern regions were under the domination of the Bourbon kings of Spain. Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variations. अब इटली की जो इटालियन लैंग्वेज थी वो भी एक कॉमन नहीं थी, उसमें भी बहुत रीजनल और लोकल वेरिएशंस थे. मतलब एक लैंग्वेज नहीं थी, बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, बहुत सारे वेरिएशंस थे. ड्यूरिंग द 1830s Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for Union Italian Republic. उसने एक यूनिटरी एक प्रोग्राम रखने का सोचा था for Unitary Italian Republic. He had also formed a secret society called the Young Italy for the dissemination of his goals. उसने एक सीक्रेट सोसाइटी कौन सी फॉर्म करी थी? यंग इटली फॉर dissemination of his goals, the failure of revolutionary uprising, both in 1831 and 1848, meant that the mantle now fell on Sardinia, Piedmont, under its ruler King Victor Emmanuel II, to unify the Italian states through war. अब जो फेलियर हो रहा था रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स का 1831 में और 1848 में, उसका मतलब क्या था कि अब ये सब जाएगा किसके अंडर में? किंग विक्टर इमैनुअल टू के अंडर में. In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. अब जो ruling elites थी उसने a unified Italy offered, अब जो unified Italy थी उसको उन लोग ने offer करा था economic development की, economy बढ़ेगी और political dominance भी रहेगा. Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. अब जो चूज करा गया था कि जो मूवमेंट लीड करेगा वो ना ही रेवोल्यूशनरी था ना ही एक डेमोक्रेट था. Like many other wealthy and educated members of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. अब वो फ्रेंच ज़्यादा अच्छी बोलता था बजाय इटालियन के. थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवर, सर्दिना पॉइडमेंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859. अब एक डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय कैवर, उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया था इन 1859. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. अब जो रेगुलर ट्रूप्स थे वो तो थे, वॉल्टियर्स ने भी ज्वाइन कर लिया था. किसके लीडरशिप के अंदर? Giuseppe Garibaldi. In 1860, they marched into South Italy and Kingdom of the Two Sicilies and succeeded in winning the supports of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. अब Spanish rulers को हटाने के लिए उन लोग ने local peasants का भी सहारा लिया था. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed the King of United Italy. अब 1861 में King Victor Emmanuel II को King घोषित कर दिया था पूरे इटली का. However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, मतलब इटली बहुत illiterate था उस समय, remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology. अब जो illiterate थे उनको कुछ भी नहीं समझ में आया था about the liberal nationalist ideology. The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife. अब उन्होंने सदर्न जो पीजेंट्स ने सपोर्ट करा था गैरीबाल्डी को सदर्न इटलिया में, उन लोग ने इटालिया नाम ही नहीं सुना हुआ था. एंड बिलीव दैट ला इटालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ. द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. The model of the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. In Britain, the formation of the nation state. Pehle you can see this map first. Italian states before unification. There were 7 states, and this is Italy after unification. Now the model of the nation or the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. In Britain, the formation of nation state was not the result of sudden upheaval or revolution. मतलब ब्रिटेन में एक sudden upheaval, sudden disturbance या sudden revolution नहीं हुआ था, एक बहुत लंबा प्रोसेस था. It was the result of a long drawn out process. there was no British nation prior to the 18th century. कोई British nation नहीं था 18th century से पहले. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot और Irish. अब जो भी आइडेंटिटीज़ थी पीपल की ऑन द ब्रिटिश आइल्स वो एथनिक थी, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश. ऑल दीज ग्रुप्स एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस. इन सब के खुद के कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे. बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the islands. अब इंग्लैंड ने जैसे ही वो बड़ा था पावर में, चाहे पैसे में, चाहे इम्पोर्टेंस में, वो अपना इन्फ्लुएंस और नेशंस पे भी कर सकता था. द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट was the instrument through which a nation state with England as its center came to be forged. Now English Parliament ने monarchy से अपनी वो power कब छीनी थी? 1688 में after a conflict. The Act of Union 1707 between England and Scotland resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain, meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. अब जो Act of Union था वो तो England और Scotland के बीच में था, पर जो नाम है United Kingdom of Great Britain उसमें तो सिर्फ England का ही नाम है, तो मतलब उसने अपना इन्फ्लुएंस करा था Scotland के ऊपर. The British Parliament henceforth dominated by its English members. The growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture and political instruments were systematically suppressed. अगर एक चीज़ कोई ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ कम भी तो होगी. इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था तो मतलब स्कॉटलैंड का कम हो रहा था. अगर इंग्लैंड का पॉलिटिकल और कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था तो मतलब स्कॉटलैंड का कल्चरल कम हो रहा था. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression when they attempted to assert their independence. बहुत रिप्रेस करा गया था जब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस का जताने लग गए थे. The Scottish Highlanders were forbidden to speak in their Gaelic language or to wear their national dress. अब जो Scottish Highlanders थे उनको मना कर दिया था कि वो अपनी नेशनल लैंग्वेज गेलिक और ड्रेस नहीं पहनेंगे, नेशनल ड्रेस. अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सिबली ड्रिवन फ्रॉम आउट ऑफ देयर होमलैंड, मतलब अपने कंट्री से ही हटा दिए गए थे. आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट. इट वाज अ कंट्री डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. अब आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हुआ था. वो कंट्री डिवाइड हो गई थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में. The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. अब English ने, मतलब England के inhabitants ने, उसने help करा था Catholics Protestants को कि वो Catholics के ऊपर अपना दबदबा जमा सकें. Catholic revolts against British dominance were suppressed. और जो Catholic के revolt से British dominance के against उनको भी दबा दिया गया था. After a failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom. Ireland को forcibly ले लिया गया था United Kingdom के अंदर in 1801. A new British nation was forged under the propagation of a dominant English culture. एक new British nation को ले लिया गया था अंदर में. The symbols of a new Britain, the British flag, Union Jack, the national anthem, God Save Our Noble King, the English language were actively promoted and the older nation survived as subordinate parts of the nation. अब जो मतलब main point है इसका कि सिर्फ England ही अपना एक अलग country और dominant सबके ऊपर जमा पाया था. बाकी सिर्फ इंग्लैंड की लैंग्वेज, इंग्लैंड का नेशनल एंथम, यही सब था। बाकी मेन चीज़ें थी, बाकी सारी तो सबऑर्डिनेट चीज़ें थी, मतलब सब बाद की चीज़ें थी, उससे कम की चीज़ें थी, कोई उसके बराबर की चीज़ नहीं थी, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो कल्चरल हो। तो वी विल डू टिल हेयर ओनली, विजुअलाइजिंग द नेशन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।